तो कल एक अंदाज देखा होगा आपने क्रिस गेल का सेंचुरी लगाने के बाद, बड़ा स्टाइल उन्होंने दिखाया। कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े फैन हैं वो, और वैसा ही स्टाइल करेंगे अगर उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी निकले, और निकली उनके बल्ले से और फिर वो स्टाइल करते हुए नजर आए। खुशबू, कल पैसा वसूल आपको लगा मैच देख रहे होंगे कि पैसा वसूल हो गया गेल से? आपको लगता है जब वो पिछले मैच में नहीं थे तो मुझे उनकी कमी खल रही थी और मैंने बोला था, और वो मैच भी हार गए, तब कल के मैच में वो आए और उन्होंने अपना दिखा दिया जलवा कि वो एक्चुअली गेल स्टॉर्म है। जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने बल्लेबाजी देखी होगी क्रिस गेल की, ज्यादा फुटवर्क नहीं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, खड़े खड़े क्रिस से शॉट मार रहे, लंबे लंबे छक्के, और फिर वहां पर तो कोई चांस ही नहीं। अगर क्रिस गेल खड़े हो गए क्रिस के ऊपर तो फिर दूसरी टीम के बारे में कोई चांस नहीं है। बेदी सर, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, विराट कोहली थोड़ा और रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज फॉर्म में आया? क्रिस गेल है, डिविलियर्स है, विराट कोहली खुद है, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है जी, जिस बैटिंग को सप्लीमेंट करी बॉलिंग, बॉलिंग ज्यादा ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि कल से उन्होंने फर्नीचर लगाया था, सात बोल्ड किए भाई, स्टार्क भी है, जो भी सात बोल्ड करना मायने रखता है एक टीम के दो, तो इस ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, गेल की तारीफ हम करेंगे कि करने के काबिल है उसने जो खेला है, और जिस तरीके से आपने कहा ना बैक फुट वगैरह कुछ नहीं, एक ही मारे जा रहे थे, दूसरी टीम अगर अक्लमंद टीम होगी वो समझ आएगी, और मनी ने सही कहा कि यो अपोनेंट्स को मौका नहीं देना चाहते कि समझ जाए इसकी कमजोरी देखने की, इसको रेस्ट दें, मगर उसने जो भी हम कह लें जैसे भी उसने इसको बेंगलोर को एक मुकाम पे पहुंचा दिया कि वो आप क्वालिफाई के लिए एलिमिनेटर तक आप पहुंच सकते हैं।